नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर आपके लिए एक और फ्रेश वीडियो लाएं दोस्तों। आज बात करेंगे कोका कोला ब्रांड की कैन के बारे में, बात करेंगे उसका होलसेल रेट जानने की अपन कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और रिटेल पर कितने का इसको बेचा जाता है, कितना रिटेलर दुकानदार को उस पर प्रॉफिट होता है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं किराना स्टोर पर जनरल स्टोर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज बात करेंगे दोस्तों कोका कोला की जो कैन आती है उसमें कौन कौन से फ्लेवर आते हैं। मैं बता दूँ आपको, फेंटा आता है, एक स्प्राइट, लिमका, कोक, थम्सअप, ये 5 फ्लेवर आते हैं कैन पर। लेकिन जो मैं वीडियो में आपको बताऊँगा वो लिमका, कोक और थम्सअप का होलसेल रेट बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो। आप पेटी देखोगे, इस प्रकार की ये पेटी आती है, और इस पेटी में जो कैन निकलती है उसका जो नेट क्वांटिटी होता है एक कैन में 300 ml होता है दोस्तों, ये पेटी भी लिखा हुआ, और 24 कैन इस पेटी के अंदर निकलती हैं एक पेटी के अंदर। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगा, और इसके ऊपर इसकी जो एक्सपायरी लिखी हुई है, बैच बिफोर लिखी है, मैं आपको बता दूँ 12/3/2022 से लेकर 11/11/2022, यानी कि 8 महीने की इसकी बैच बिफोर होती है। अब मैं आपको उसकी पेटी खोल के दिखाऊँगा किस प्रकार के इसमें पीस निकलते हैं, और ये थम्सअप। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसकी MRP 40 rupees है, और मैं अभी इसको आपको होलसेल रेट भी बताऊंगा। तो आप देखोगे किस प्रकार की इस पर पैकिंग है, और ये बहुत ही मजबूत पेटी की पैकिंग आती है इसकी, और आप देखोगे इस प्रकार की ये पैकिंग निकलती है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार की ये थम्सअप निकलती है कैन वाली। और दोस्तों इस पेटी के अंदर आप देखोगे 24 पीस हैं, आप देख सकते हो 4 की लाइनें 6 लाइनें हैं, और ये 24 पीस निकलते हैं। और बात करें दोस्तों इसकी होलसेल प्राइस की, इस पेटी की बात करें और इसकी MRP की बात करें, जैसा कि मैंने बताई दिया है वीडियो में, 40 rupees इसकी MRP है। और पेटी की बात करें दोस्तों, आपको पेटी पड़ेगी 745 rupees की, ये पेटी पड़ेगी आपको, एक होलसेलर से आप ख़रीदते हो तो 745 rupees की आपको पेटी पड़ेगी, और एक बोतल आपको 31 rupees की पड़ेगी, जो कि आप इसको 40 rupees की रिटेलर दुकानदार बेचेगा तो 9 rupees का उसको प्रॉफिट होगा बेचने पर, जो कि अच्छा खासा मुनाफा है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ये दूसरी वाली पेटी की, इसमें कोका कोला है, और इसका भी सेम ही रेट है, और सेम पीस आते हैं, इसमें भी 24 पीस निकलते हैं दोस्तों, और इसकी भी MRP 40 rupees है, और जो इसकी होलसेल प्राइस है वो भी उसी की सेम रेट है, यानी कि 745 rupees की आपको ये पेटी पड़ेगी, और एक पीस आपको 31 rupees का आपको पड़ेगा। तो मैं अभी आपको पेटी खोल के दिखाता हूँ किस प्रकार की ये पेटी में पीस आते हैं, आप देखोगे तो आप इस प्रकार की ये कोक निकलती है, कोक कैन, और ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बिकती है दुकानों पर, और ये नंबर एक ब्रांड है कोल्ड ड्रिंक की लाइन में, आप जैसा कि आप जानते हो, और ये ओरिजिनल टेस्ट होता है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा ये बिकती है। और इनकी मैंने बैच बिफोर बताई दी है दोस्तों, इन दोनों की कोक जो थम्सअप मैंने बताई है अभी, 8 महीने की इनकी बैच बिफोर होती है। अब बात करेंगे दोस्तों लिमका की, लिमका की भी यही सेम रेट है, और ये भी 745 की पेटी आती है, इसके अंदर भी 24 पीस निकलते हैं, और ये भी 31 rupees की पड़ती है। लेकिन दोस्तों इसकी बैच बिफोर जो होती है वो 6 महीने की होती है लिमका की, मैं आपको अभी दिखाऊँगा पीछे इस पर लिखा हुआ है। तो इसकी जो बैच बिफोर है वो 6 महीने की है, और कोक और थम्सअप की मैंने बताया 8 महीने की। तो आप इस बात का ध्यान रखें ताकि आप स्टॉक ना करें, इस चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कि अच्छा खासा मार्जिन है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक बहुत तेज़ी से बिकने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।